नमस्कार दोस्तों वेलकम टू नॉलेज एबीसी मैं हूं निखिल आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप जिसमें हम लोग जानेंगे साउथ अमेरिका के कंट्रीज के बारे में उनके लोकेशन के बारे में और उनके कैपिटल्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो ये है आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप और इसमें हम साउथ अमेरिका का लोकेशन देख लेते हैं तो ये है हमारा साउथ अमेरिका ये आप देख सकते हैं ये पूरा साउथ अमेरिका मैप है इसमें पूरा देख लेते हैं कि इसका लोकेशन एग्जैक्ट क्या है और इक्वेटर जो है इसके से गुजरती है और इसका जो लोकेशन है सदरन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर कैसे तो इक्वेटर हम जानते हैं कि नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे अर्थ को बांटता है तो इक्वेटर के अगर साउथ में ये मोस्ट ऑफ द पार्ट इक्वेटर के साउथ में पड़ रहा है तो इसे सदर्न हेमिस्फीयर का कॉन्टिनेंट कहेंगे हाँ कुछ कंट्रीज है जो की इक्वेटर के नॉर्थ में है लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका इक्वेटर के साउथ में तो इसके सदर्न हेमिस्फीयर में इसको कंट्री में कहेंगे और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर का भी कहेंगे क्योंकि प्राइम मेरेडियन से वेस्ट में है तो इक्वेटर के साउथ में और मेरिडियन से वेस्ट में तो इसीलिए साउथ अमेरिका को सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का कॉन्टिनेंट कहा जाता है अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में तो कुल मिला इसमें 12 कंट्रीज हैं इसके जो मेन लैंड है इसमें कुल मिला 12 कंट्रीज हैं और ये फ्रेंच ग्वेना नाम का इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है और वहीं अगर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका की ब्राजील है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखेंगे तो लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील ही है तो दोनों एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है और अगर सबसे छोटी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी कंट्री है सूरीनाम जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोकेशन अभी मैं सारे कंट्री का लोकेशन भी देखेंगे तो अभी के लिए देख लेते हैं सबसे छोटी कंट्री सूरीनाम हो गई और सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील हो गई वहीं अगर पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड एरिया का ट्वेल्व ये ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड एरिया का ट्वेल्व परसेंट हो गया और वहीं पॉपुलेशन का बात करें तो फाइव वर्ल्ड की पॉपुलेशन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहती है और इसके आसपास का अगर लोकेशन देख ले जो मेजर ओशियंस हैं तो साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन हो जाएगा और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन हो जाएगा और वही इसके अगर नॉर्थ में साउथ अमेरिका के नॉर्थ में अगर बात करें तो हमें कैरेबियन सी मिलेगा अब साउथ अमेरिका के कंट्रीज का नाम देख लेते हैं साथ साथ उनका तो लोकेशन भी देख लेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे ब्राजील है सबसे बड़ी कंट्री ये ब्राजील है ये वाली जब आप देख सकते हैं येलो कलर में है ये पूरा ब्राजील है और ये वेस्ट कोस्ट से नहीं लगती है सिर्फ ईस्ट कोस्ट से लगती है जो कि अटलांटिक ओशियन पड़ता है ठीक है उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंच गोएना को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है अब यहाँ की इसके बगल से स्टार्ट करेंगे सूरीनाम जो की सबसे छोटी कंट्री है ये हो गई हरी कलर की जो सूरी नाम ये भी कैरेबियन सी के से लगती है इसका जो कोस्ट है ये कैरेबियन सी से लगता है और साथ साथ ये ब्राजील से भी लगती है उसके बाद उसके बगल में एक और कंट्री है गुएना ठीक है ये रेड कलर से जो है ये गुएना हो गया उसके बाद ये आ गया वेनेजुएला ये ये भी काफी न्यूज में रहता है कंट्री पेट्रोलियम के लिए बहुत मजा बहुत ज्यादा इसका पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पे है तो ये कंट्री हो गई वेनेजुएला ये भी कैरेबियन सी से ही लगती है इसका बॉर्डर भी करेबियन सी से ही लगता है और ये जो गुएना है इसका भी लगता है सूरीना में इसका भी लगता है करेबियन सी से ही उसके बाद वेनेजुएला के बाद अगर बात करें तो हमें मिलती है कंट्री कोलंबिया इसी कोलंबिया से हमें नॉर्थ अमेरिका का बॉर्डर लगता है जो नॉर्थ अमेरिका वाला मैप में हमने बताया था जो यहाँ पे कंट्री पड़ती है पनामा और यहाँ पे स्थमस ऑफ पनामा पड़ता है तो उसी से ये बॉर्डर लगता है यहाँ पे कोलंबिया से ही के बाद का जो बॉर्डर आता है वो पनामा का बॉर्डर आता है और वहीं से नॉर्थ अमेरिका शुरू हो जाता है और इधर कोलंबिया का देखें तो ये एक तरह से कैरेबियन सी से भी इसका बॉर्डर लगता है और इधर अगर बात करें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा है या फिर ओशन भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे इसका इधर से भी बॉर्डर लगता है उसके बाद और एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे पड़ती है इक्वाडोर इक्वाडोर हो गई ये वाली कंट्री उसके बाद बात करते हैं पेरू की पेरू भी काफी न्यूज में रहता है पेरुवियन करंट होता है यहाँ पे यहाँ पे जो ओशियन करंट वाला मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा पे पेरुवियन करंट फ्लो होता है तो पेरू यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है उसके बाद एक और कंट्री है जो बीच में आ जाती है बोलीविया ये आप देख सकते हैं येलो कलर से जो ये है बोलिविया हुई उसके बाद अगर आप साउथ में चलते हैं तो यहाँ पे सबसे लंबी सी एक कंट्री है यहाँ पे पूरे कोस्टल एरिया कवर कर रही है और इसका जो कोस्ट है ये पूरा पैसिफिक को लगता है इसका नाम हो गया चिली चिली के ठीक इस साइड में यहां पे भी एक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ग्रीन कलर से जो है ये हो गया अर्जेंटीना इसके ऊपर में दो कंट्री और है एक परगवे और दूसरा है उरुग्वे तो यहाँ पे हमने सारे कंट्रीज कवर कर लिए थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लेते हैं कि कैसे हम सभी कंट्री को याद कर सकते हैं तो इसका टेक्निक ये है कि हम सबसे पहले दो लाइन है जो मैंने बनाया ये इसको याद कर लेंगे तो हमारे सारे कंट्रीज याद हो जाएगी तो पहला लाइन है सर गिव्स वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली ठीक है और दूसरा लाइन है बिग बॉस चाइल्ड गेट एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो पहले लाइन की बात करते हैं पहले सर गिव्स वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली इसको याद करने के लिए आप मेरा एक लाइन से देखते हैं यहां से हम लोग इसमें कवर किए हैं यहाँ से सूरी नाम से तो सूरीनाम गुएना वेनेजुएला, कोलंबिया इक्वाडोर और पेरू ये जो लाइन जा रहा ऐसे है ऐसे क्लॉक वाइज बस ये कंट्री इस लाइन से कवर हो जाए कैसे होगी सर से हो गया जो सर है एस सर से हो गया सूरीनाम उसके बाद गिव से हो गया गुएना, गुएना। उसके बाद वेरी से हो गया वेनेजुएला कॉम्प्लेक्स हो गया कोलंबिया इक्वेशन से हो गया इक्वाडोर और पर्सनली से हो गया पेरू तो सर गिव्स वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली सूरीनाम गना वेनेजुएला कोलंबिया इक्वाडोर और पेरू कंप्लीट यहाँ पे हमारा कंट्री कंप्लीट हो जाता है पहले लाइन से अगर यही लाइन याद हो जाता है तो यहाँ की कंट्री हमें कंप्लीट ओके अब बात करते हैं दूसरे लाइन पे बिग बॉस चाइल्ड गेट एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब इसको स्टार्ट करेंगे फिर से वैसे एंटी क्लॉकवाइज है ब्राजील से स्टार्ट करेंगे ब्राजील बोलीविया चिली अर्जेंटीना उरुग्वे ये हमारा पैटर्न रहेगा ब्राजील बोलीविया चिली अर्जेंटीना परग्वे उरुग्वे ठीक है तो बिग बॉस तो बी से हो गया ब्राजील बोलीविया हो गया बॉस से बिग से ब्राजील बॉस से बोलीविया ठीक है चाइल्ड से हो गया चिली गेट से कुछ नहीं है यहां पे बस तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैंने डाल दिया था गेट से कुछ नहीं है उसका एडमिशन एडमिशन से हो गया अर्जेंटीना फिर यहां इन से कुछ भी नहीं है उसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी पी से परगवे और यू यू से उरुग्वे यूनिवर्सिटी से यू तो बिग बॉस ब्राजील बोलीविया उसके बाद चाइल्ड से हो गया चिली उसके बाद एडमिश गेट एडमिशन तो अर्जेंटीना उसके बाद इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट से हो गया परगवे और यूनिवर्सिटी से हो गया रुकवे तो ये दो एक लाइन हम लोग अगर याद करेंगे तो सारे बारह कं, कंट्री इसकी कंप्लीट हो जाती है सर गिव्स वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली तो ऊपर की सारी ये कंट्रीज हो गई पेरू तक सूरी नाम से और उसके बाद जो अगर सेकंड लाइन की बात करें तो बिग बॉस चाइल्ड गेट एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इससे नीचे की जितनी कंट्री है तो याद रहेगा ब्राजील बोलीविया चिली अर्जेंटीना परगवे जाएगा सर गिव्स वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली तो, तो यहाँ से तो ये तो फ्रेंच गुएना हो गया इसको छोड़ देंगे ये हो गया एस से सर से एस सूरीना उसके बाद गिव्स हो गया गुएना उसके बाद जो कंट्री यहां ये हो जाएगी वी से वेनेजुएला उसके बाद सी आ गई सी से कोलंबिया ठीक है यहां एक छोटी सी कंट्री हो गई इक्वेशन से इक्वाडोर ठीक यहां पे खत्म हो गई और ये बड़ी सी कंट्री यहां पे जो है ये हो गई पेरू पर्सनली से पेरू तो सर गिव्स वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली ठीक है पेरू से पी से पर्सनली से पेरू यहां पे खत्म अब यहां पे आ गया दूसरा सेंटेंस की बात करें बिग बॉस चाइल्ड गेट एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहां से मैंने बताया था ब्राजील से स्टार्ट करेंगे तो बिग बॉस हो गया बी से ब्राजील बी से बोलेविया ठीक है फिर चाइल्ड का चिली ये चिली हो गई उसके बाद गेट से बताया था कुछ भी नहीं है एडमिशन एडमिशन से अर्जेंटीना और उसके बाद इनसे फिर कुछ नहीं है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये होगी जो पिंक कलर से परग हुए और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है उर्ग तो ये हमने हमने सारी कंट्री कवर कर ली यहां पे इस दोनों लाइन से अब कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं इसमें हमें जान लेते हैं कि इसमें दो कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका की दो कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री है मतलब कि वो किसी भी साइड से समुद्र से कनेक्टेड नहीं है तो पहली कंट्री होगी बोलिविया यहाँ पे देख सकते हैं बोलेविया ये चारों तरफ से हर तरफ से इसका बॉर्डर दूसरे कंट्री से ही लगता है यहाँ पे किसी भी साइड से ओशियन से या सी से कनेक्ट नहीं होता है तो इसका अगर इधर साइड से बात करें नॉर्दर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में तो ब्राजील हो गया और वेस्टर्न साइड में बात करें तो पेरू चिली और सदर्न साइड में बात करें तो अर्जेंटीना पर तो ये जो बोलीविया हो गया कंट्री हो गया उसी के साथ एक और कंट्री है परगवे ये भी लैंडलॉक है तो इसका भी अगर हम देख सकते हैं कहीं से भी ये सी से कनेक्टेड नहीं है तो इसके भी अगर नॉर्थ में बात करें तो बोलीविया ब्राजील हो गया ईस्टर्न साइड में बात करें तो अर्जेंटीना और सदर्न साइड में भी बात करें तो अर्जेंटीना हो गया तो यहाँ पे दोनों कंट्री लैंडलॉक कंट्री अब एक क्वेश्चन एक और आते रहता है कि कौन कौन सी कंट्री है जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर करती है तो इसका हम लोग उल्टा कर लेते हैं तो बारह कंट्रीज है बहुत सारी कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर करती है तो हम बस ये जान लेते हैं कौन कौन सी कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती है तो हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कौन कौन सी शेयर करती है कौन कौन से नहीं शेयर करती है तो आसान ये होगा कि सिर्फ दो कंट्री का नाम याद रखना पड़ेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो दो कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती है तो बाकी सारी कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर करती है तो ध्यान लेते हैं तो ब्राजील से बॉर्डर कौन कौन शेयर नहीं करती है वो हम देख रहे हैं तो ब्राजील से यहाँ पे देख सकते हैं इक्वाडोर ब्लू कलर से जो है ये ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती एक इक्वाडोर हो गई और दूसरे कंट्री हो गई चिली ये भी ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती तो ये इक्वाडोर और चिली ये दोनों ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती बाकी जितनी कंट्री आप जानते हैं वो सारी कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर करती है तो यहाँ पे दोनों हो गया अब एक कंसेप्ट बार बार आता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज तो इस पूरे कॉन्टिनेंट को लगभग सारे कंट्रीज को एक दो एक्सेप्शन है उसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोला जाता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलने का ये लिंग्विस्टिक डिवीजन है ये कोई ऐसा कोई पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट नहीं है या लैटिन अमेरिकन कोई नया सा नहीं है ये इसी कॉन्टिनेंट को लिंग्विस्टिक आधार पर बांटा गया है तो उसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के नाम से उसको बोला जाता है असल में बात यह था कि पहले पूरे जो ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका और ये जो कैरेबियन है ये सब स्पेन पुर्तगाल ये सब कंट्रीज की ये कॉलोनीज थी जैसे इंडिया कॉलोनी थी यूके की यूनाइटेड किंगडम की तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की लैंग्वेज है इंग्लिश तो यहाँ पे इंग्लिश धीरे धीरे उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया और हम लोग में इंग्लिश जान गया उसी तरह से ये सब कंट्रीज कॉलोनी थे स्पेन के मेनली स्पेन और पुर्तगाल यहाँ पे स्पेनिश और पुर्तुगीज भाषा बोल जाता है और वो दोनों कंट्री है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आ जाते हैं तो इसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोला जाता है लैटिन कंट्रीज में अगर बात करें तो वो हो जाएगा यूरोप के जो स्पेन पुर्तगाल जो ओल्डेस्ट उनकी लैंग्वेज है लैटिन भाषा वो वो बोलने वाली जो कंट्रीज है तो जैसे स्पेन पुर्तगाल तो ये सब है तो यहाँ पे हो जाएगा लैटिन अमेरिकन का तो अब देख लेते हैं एक करके तो हमने नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट में तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज दिखाई थे अभी हम लोग सिर्फ साउथ अमेरिका वाले पार्ट का ही बात करेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें तो ब्राज़ील में ये बड़ी सी कंट्री है ब्राज़ील सबसे लार्जेस्ट कंट्री मोर देन फोर्टी फाइव फोर्टी एरिया यही कवर कर लेती है अकलौता तो इसमें बोली जाती है पुर्तुगीज भाषा ठीक है अब बाकी जितनी ग्रीन कंट्रीज देख रहे हैं इस सब में स्पेनिश बोली जाती मेजर यह है मेजर लैंग्वेज ये यहाँ पे क्लियर हो गया अब एक फ्रेंच गुएना है तो बताया था मैंने फ्रांस के ओवरसीज ओवरसी तो यहां पे फ्रेंच बोली जाती है वहां की लैंग्वेज है ठीक है अब दो कंट्री और बच गई सूरी और गुएना तो सूरी की बात कर ले तो ये हो गया सूरीनाम ठीक है यहीं से बताया था मैंने स्टार्ट करने के लिए सर गि वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली तो यहीं से स्टार्ट है एस जी तो सूरी में डच भाषा बोली जाती है क्योंकि ये नीदरलैंड की पहले कॉलोनी थी ये स्पेन पुर्तगाल की कॉलोनी थी वही वाला फॉर्मूला लगेगा इस नीदरलैंड की कॉलोनी थी तो वहां पे डच भाषा चलने लगा ठीक है तो यहाँ पे डच बोली जाती है सूरी में और उसके बाद ये एक और कंट्री है गुएना तो गुएना में इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि ये यूके की कॉलोनी थी तो यूके में इंग्लिश बोली जाती है तो यहाँ पे इकलौती कंट्री है जो कि इंग्लिश बोली जाती है वो है गुएना अब देख लेते हैं साउथ अमेरिका के कंट्रीज कै, और कैपिटल को तो कंट्रीज हमने देख ही लिया अब उसके कौन कौन से कैपिटल है उनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग अपने पैटर्न जो है उसी तरह से याद रखेंगे तो उसी पैटर्न पे भी यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले आ जाता है सूरी तो सूरी का कैपिटल हो गया पारा उसके बाद बगल में आ जाता है गुएना तो गुएना का कैपिटल हो गया जॉर्ज टाउन तो यहाँ पे नाम जो कैपिटल के नाम है थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखेंगे क्योंकि अगेन स्पेनिश और पुर्तुगीज कॉलोनी थी तो स्पेनिश और पुर्तुग भाषा में ही इनका नाम है कुछ इनके लोकल नाम भी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम मिलेंगे लेकिन अगर गुएना का बात करें तो मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि ये इंग्लिश कॉलोनी थी तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश नाम है जॉर्ज टाउन ठीक है उसके बाद बात करते हैं वेनेजुएला का तो वेनेजुएला का, का कैपिटल हो गया काराकास ओके उसके बाद बात करेंगे कोलंबिया की तो कोलंबिया का कैपिटल हो गया बोगोटा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोगोटा का लोकेशन है काराकास तो ये कोस्ट पे है कोलंबिया कैपिटल बोगोटा हो गया उसके बाद बात करेंगे इक्वाडोर का तो इक्वाडोर का कैपिटल हो गया क्विटो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विटो ओके okay? उसके बाद बात करेंगे पेरू का तो पेरू का कैपिटल हो गया Lima, तो ल, लीमा तो लीमा समझौता के नाम से भी जो क्लाइमेट चेंज का जो वहां पे बात हुआ था तो वो सब नाम से ही फेमस है तो यही लीमा शहर है यहाँ पे पेरू की कैपिटल अब बात करेंगे ब्राजील की तो ब्राजील का कैपिटल हो गया ब्राजीलिया ठीक है जेनेरियो और ये सब मेन सब साओ साओपालो ये सब फेमस सिटीज है मेजर सिटीज है लेकिन इनका कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन इसका ब्राजीलिया में बैठता है तो इसकी कैपिटल हो गई ब्राजीलिया ओके अब बात करेंगे बोलीविया की तो बोलीविया की कैपिटल होगी सुक्री यहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद बात करेंगे चिली की तो चिली की कैपिटल होगी गई सेंटियागो उसके बाद बात करेंगे अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना की कैपिटल होगी ब्यूनस आयर्स यहाँ पे लोकेशन है इसका ब्यूनस आयर्स का ठीक है उसके बाद अब बात करेंगे परगवे और उरुग्वे की परगवे का कैपिटल हो गया असुनसियोन यहाँ पे और उसके बाद बात करेंगे उरुग्वे की तो उरुग्वे का कैपिटल हो गया मॉन्टेविटियो ये हो गया तो ये हमने सारी कंट्रीज की कैपिटल भी कवर कर ली अब बात कर लेते हैं कुछ कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसीज कंट्रीज हैं कंट्रीज क्या कर सकते हैं ओवरसीज टेरिटरी है जैसे कि अगर हम लोग मैप बनाए होते 1947 से पहले तो पूरा इंडिया को हम लोग क्या दिखाते हैं एक तरह से ओवरसीज टेरिटरी दिखाते हैं यूके की तो उसी तरह से यहाँ पे दो तीन तीन आइलैंड मेन है तीन आइलैंड और एक मेन लैंड पे भी है तो ये ओवरसीज टेरिटरी है जो आज भी आजाद नहीं हुए कहने का मतलब आज भी आजाद नहीं हुए है वो उनके गुलाम देश ही है तो यहाँ पे एक देख सकते हैं फ्रेंच गुएना मैंने कई बार बताया ये वाला पीछे वाला वीडियो मैंने बताया ये फ्रेंच गुएना फ्रेंच की कॉलोनी है कहने का मतलब ये हो कि अभी ये आजाद नहीं हुआ आज की डेट तक ये आजाद नहीं हुआ जैसे अपना गोवा था पूरे इंडिया का मैप हो गया और यहाँ पे गोवा था जो कि पुर्तुगेज कॉलोनी थी तो पूरे मेन लैंड में एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ओवरसीज टेरिटरी थे दूसरी कंट्री की तो उसी तरह से पूरा ये मेन लैंड हो गया साउथ अमेरिका का उसमें यहाँ पे एक फ्रेंच ग्वेना नाम का एक जगह है पूरा एरिया जो है ये ओवरसीज टेरिटरी हो गया फ्रांस का उसके साथ आ जाता है फार्कलैंड आइलैंड तो फार्कलैंड आइलैंड यहाँ पे इसका लोकेशन देख सकते हैं ये फालकलैंड आइलैंड ये वाला ये यूके की टेरिटरी है और क्लेम करता है अर्जेंटीना कि हमारी होनी चाहिए लेकिन ये अभी इसके बीच में युद्ध भी हो गया था अर्जेंटीना और यूके के बीच में तो खैर यूके अर्जेंटीना की हार हुई थी और फाकलैंड लैंड आइलैंड आज भी यूके के अंदर में उसी के साथ एक और आइलैंड यहां पर आप छोटा सा देख सकते हैं ये वाला आइलैंड है सॉर्थ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड ये भी यूके की ओवरसीज टेरिटोरी अब कंट्रीज की लोकेशन की ही बात है तो आ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पे देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर से पास करती है साउथ अमेरिका के तो उसको एक बार देख लेते हैं तो ये हमारा इक्वेटर हो गया ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप ये वाला ये ये इक्वेटर हो गया ठीक है ये वाला तो इससे पास करती है इक्वाडोर से यहां पे पहला कंट्री हो गया इक्वाडोर ठीक है उसके बाद यहां से यह पास करती है कोलंबिया से यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, तो आपको क्लियर दिखाई देगा तो पहला कंट्री हो गया इक्वाडोर दूसरा कंट्री हो गया कोलंबिया और यहां पे देखिए पेरू का जो पार्ट है थोड़ा सा से लगा हुआ लेकिन ये टच नहीं करता है फ्यू किलोमीटर से रह जाता है इक्वेटर से साउथ में ही रह जाता है तो इक्वेटर पेरू से पास नहीं करता इक्वाडोर कोलंबिया और उसके बाद पूरा ब्राजील से ये क्रॉस करते हुए निकल जाता है इसको याद रखने का तरीका हो गया जो अपना फॉर्मूला था सर गिव्स वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पर्सनली तो उसका ही पार्ट उठा लेते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ब्राजील इस तरह से करके याद कर सकते हैं जैसे भी आपको सुविधा हो तीन कंट्री है तो तो याद हो ही जाएगा इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राजील उसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ती है इक्वेटर से पास करती है वो तो ठीक है इक्वेटर के एग्जैक्टली नॉर्थ में पड़ती है जो इक्वेटर से पास बिल्कुल भी टच नहीं करती है और बिल्कुल ही नॉर्थ में पड़ती है तो उसमें तीन कंट्री हो जाती है सूरीनाम गुएना और वेनजेला ठीक है ये तीन कंट्री जो स्टार्टिंग से है सर गिफ्स वेरी इस तरह से याद कर सकते जो शुरुआत का जो तीन है वो इसमें आ जाएंगे इक्वेटर के एग्जेक्टली नॉर्थ में पड़ेंगे जरा भी टच नहीं करता है इसको ठीक है अब कुछ कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के साउथ में पड़ते हैं अब उनका नाम याद कर लेते हैं तो पेरू हो गया एक जो न मैं, मैंने बताया था कि इक्वेटर से थोड़ा सा से रह जाता है तो पेरू हो गया जो कंप्लीटली इक्वेटर के साउथ में उसके बाद बात करें तो बोलीविया हो गया चिली है अर्जेंटीना परग्वे उरुग्वे तो ये सारी कंट्रीज इक्वेटर के साउथ में पड़ जाती है अब कुछ कंट्रीज को बात कर लेते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉप्रिकॉन से पास करती है ये है। ये ये ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ ऑफ है है आप देख सकते हैं ठीक है।, है तो उसमें कौन कौन सी कंट्री हो जाएगी तो चिली हो गई फिर अर्जेंटी हो गई अर्जेंटीना हो गया फिर परग्वे हो गया और ब्राजील हो गया तो ये आप याद कर सकते हैं चिली अर्जेंटीना परग्वे और ब्राजील ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन इन कंट्रियों से पास करता है और एक कंट्री बच गई उरुग्वे जो कि कंप्लीटली साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन से बिल्कुल ही साउथ में है ये टच नहीं करता है बिल्कुल भी तो यहाँ पे हमारी सारी पोलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका खत्म हो जाती है थैंक यू वेरी मच वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में